रामायण सर्किट एक्सप्रेस सोमवार को 132 राम भक्तों को लेकर रामनगरी पहुंची। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का भव्य स्वागत किया गया। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन का कार्य चल रहा है, जिसके कारण यह ट्रेन कैंट स्टेशन पर ही रोका गया। यात्रियों को बस के जरिए अयोध्या धाम ले जाया गया, जहाँ भगवान श्री राम लला के सहित हनुमानगढ़ी व अन्य मठ मंदिर व तीर्थ स्थलों पर दर्शन पूजन कर रहे हैं। रामायण एक्सप्रेस मंगलवार को 4:30 बजे काशी के लिए रवाना होगी। इस रामायण एक्सप्रेस ट्रेन 17 दिनों की यात्रा में 75,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस दौरान यात्रियों को अयोध्या के साथ सीतामढ़ी, चित्रकूट सहित अन्य प्रमुख स्थलों पर ले जाया जाएगा। अयोध्या यात्रा का यह पहला पड़ाव है। वहीं दूसरा पड़ाव के लिए शिव की नगरी काशी होगा, फिर चित्रकूट, नासिक, जनकपुर, सीतामढ़ी, श्रृंगवीरपुर, प्राचीन किष्किंधा नगरी व रामेश्वरम होते हुए 17 दिन के बाद यह ट्रेन दिल्ली पहुंचेगी। यह ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से लैस है। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस ट्रेन में AC ट्रेन कोच के अतिरिक्त 2 रेल डिब्बे में एक आधुनिक किचन, या यात्रियों के फूड मसाज, मिनी लाइब्रेरी, आधुनिक स्वच्छ शौचालय व सावर क्यूबेल आदि सुविधाएँ दी गई हैं। साथ ही सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड, इलेक्ट्रिक लॉकर सहित CCTV कैमरे भी हर एक कोच में लगाए गए हैं। रामायण सर्किट ट्रेन में AC फर्स्ट क्लास का किराया 1,02,095 रुपये और सेकंड क्लास का किराया 82,950 रुपये रखा गया है। इस पैकेज में होटल और खाने तक का खर्च भी शामिल है। श्रद्धालुओं को परोसा जा रहा सात्विक भोजन। रामायण एक्सप्रेस ट्रेन में श्रद्धालुओं के लहसुन प्याज सहित सात्विक भोजन परोसा जा रहा है। साफ सफाई का विशेष ध्यान है। वहीं इसके अलावा IRCTC ने इस ट्रेन के अलावा 4 और रामायण सर्किट ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। दूसरी ट्रेन 16 नवंबर को, तीसरी 25 नवंबर को, चौथी 27 नवंबर को व पांचवी 20 जनवरी को चलाई जाएगी। बहुत खुशी है। हम उसका मतलब क्या रहे हैं शब्दों में बयान भी नहीं कर पाते, इतनी अधिक हमें इसके लिए खुशी हो रही है। और हमें पहला अवसर जो शुरू हुआ है इस यात्रा का, और हमें इसके लिए अवसर प्राप्त हुआ है, हम इसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। हाँ जी, अयोध्या में आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम चाहते हैं कि आगे हम जिन मंदिरों में जाएं और उन्हें देखें, क्योंकि मेरा ये अयोध्या में आने का पहली बार है। मैं इससे पहले कभी अयोध्या आई नहीं हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरा अनुभव भी बहुत ही अच्छा रहे, ताकि मैं जाकर और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित कर सकूँ। मेरा नाम नीलम टक्कर है।